अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में मैं दो मज़ेदार से रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आप देख सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में। तो पहली जो है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक अंडा, आधा कप दूध और पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने शुगर और 1/2 टीस्पून के करीब लिया है वनीला एसेंस। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक पैन में, मतलब जिसमें आप ऑमलेट वगैरह बनाते हैं फ्राई पैन में, उसमें आप डालिएगा बटर 1 टीस्पून और ब्रेड ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड का यूज़ किया, आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं, उसके एजेस काट कर अलग रख लीजिएगा, वो ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आ जाएंगे। और जो बीच का हिस्सा है उसे हम डिप करेंगे घोल में और शैलो फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सेकना है लो टू मीडियम फ्लेम पर और ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद इसमें न्यूट्रेला स्प्रेड लगा लीजिएगा और ये बन गए मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट, मतलब न्यूट्रेला फ्रेंच टोस्ट, जो कि मैं आज दे रही हूँ अपने बच्चों को लंच बॉक्स में। दूसरी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने पैन में डाला है बटर 1 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मेयोनीज 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्रीम, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ काले मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1/4 से 1/2 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट डाला है और डिस्क्रिप्ट में आपको स्क्रीन पे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी सब नज़र आ रही होगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने वही डाला था और सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है उबला हुआ पास्ता और मिक्स करने के बाद फिर मैंने बच्चों का लंच बॉक्स में ये भी दिया था। तो फ्रेंड्स मैंने सबसे नीचे रखा है ये फ्रेंच टोस्ट नुटेला वाला स्ट्रिप में काट लिया था मैंने और एक बॉक्स में डाला है मैंने पास्ता, मैं ये क्रीमी पास्ता और डाल दिया है मीठा सा एप्पल और रीता और मध्य का सेम लंच बॉक्स तैयार किया था, अनाया का थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ पर मैंने नमक पारे दिए हैं लंबे वाले, यहाँ पे यूपी साइड में इस तरह के मिलते हैं, ये दिया है मैंने एक बॉक्स में और एप्पल रख दिया है और नीचे सैंडविचेस रख दिए हैं और साथ में रख दिए कुकी।